हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आज का हमारे पास न्यू टॉपिक है पैलोग्राम लॉ। ठीक है, तो ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हर बार 2 मार्क्स में या इसका यूज़ जो होता है, हम जितने भी हम थियरम्स करते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं इसका यूज़ होता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम व्हाट इज़ द पैलोग्राम लॉ। देखो, इन ए प्री हिल्बर्ट स्पेस, प्री हिल्बर्ट स्पेस मतलब इनर प्रोडक्ट स्पेस की ही बात कर रहा है। इनर प्रोडक्ट स्पेस का ही यहाँ पे नाम दिया गया है, प्री हिल्बर्ट स्पेस। इन ए प्री हिल्बर्ट स्पेस में नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा यहाँ पे नॉर्म ऑफ एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ पे नॉर्म ऑफ वाई का होल स्क्वायर करके ट्वाइस ट्वाइस। ठीक है, अब ये दोनों जो है इक्वल है और हमें प्रूफ करना है कि दिस इक्वल टू दिस। ये हमारे पास प्रूफ है। ठीक है, बात समझ आई बेटा? इसको कैसे रीड करेंगे? नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस नॉर्म ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस नॉर्म ऑफ वाई का होल स्क्वायर। अब हम क्या है इसके प्रूफ में ये पार्ट लेके चलेंगे, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्लियर? अब देखो, नॉर्म में मेरे पास इनर प्रोडक्ट में क्या रिलेशन होता है? यही रिलेशन होता है बेटा कि अगर x का मैं नॉर्म का स्क्वायर करूं तो वो मेरे पास x और x के इनर प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो वही चीज़ अगर मैं इसको यहाँ पे इस x की जगह अगर मेरे पास यहाँ पे x प्लस वाई है तो ये किसके नॉर्म? x प्लस वाई और x प्लस वाई के इक्वल होगा, क्योंकि जो यहाँ पे होता है उसको इनर प्रोडक्ट में दोनों, तो जो यहाँ पे होता है ये। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ x माइनस वाई की इसकी, तो ये क्या होगा? x माइनस वाई और x माइनस वाई। ठीक है, जो नॉर्म में यहाँ पे होता है उसको इनर प्रोडक्ट में दोनों जगह लिखते हैं। यहाँ पे नॉर्म में ये है तो x प्लस वाई एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई है नॉर्म में तो x माइनस वाई एक्स माइनस वाई। क्लियर बेटा? अब इसकी हेल्प से हमने ये दो रिजल्ट बना दिए। अब इसी को हम लिखेंगे बेटा यहाँ पे, इसकी जगह लिखूंगी मैं अब ये, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी x प्लस वाई और x प्लस वाई। क्लियर? और यहाँ पे प्लस साइन x माइनस वाई और x माइनस वाई, ये मेरे पास आ गया। क्लियर? लिख दिया। अब बेटा यहाँ पे देखो, ये काम तो हमारे पास हो गया। अब मेरे को इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी का पता है, उनको किस तरीके से सिंप्लीफाई करना, किस तरीके से प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। अब मैं अगर यहाँ पे इसकी बात करूँ तो देखो, इस एक्स की मैं पहले एक्स प्लस वाई के साथ ले लिया मैंने, और प्लस वाई की एक्स प्लस वाई के साथ ले लिया। सिमिलरली यहाँ पे एक्स का एक्स माइनस वाई के साथ कर लिया, माइनस साइन है यहाँ पे वाई का एक्स माइनस वाई के साथ। ये देखो बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखना, इस एक्स को लिया इसके साथ, क्लियर? प्लस साइन यहाँ पे वाई और इसको, अब क्योंकि जब हम इसको कंबाइन करते हैं ये दोनों सेम है तो यहाँ पे यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली प्लस साइन ये है, पहले इसको लिया मैंने एक्स को, ये आया ये पूरा का पूरा एज इट इज़। माइनस साइन है माइनस वाई, ये पूरा का पूरा एज इट इज़। क्लियर? अब देखो, अब एक्स का इस एक्स के साथ प्लस, ये वाला साइन प्लस यहाँ पे, और ये एक्स एज इट इज और इस वाई के साथ। अब देखो ये दोनों सेम है तो सेम सेम एज इट इज, और जो ये साइन है एक्स प्लस वाई यहाँ पे, तो इस तरीके से इसको चेक भी करते रहना। ठीक है, कैसे ओपन किया बेटा? ये यहाँ पे ये पूरा का पूरा एज इट इज प्लस साइन वाई के साथ ये, सिमिलरली इसके साथ ये पूरा, और फिर माइनस साइन और इसके साथ ये पूरा। अब क्या करेंगे, ये एज इट इज इसके साथ ये प्लस साइन, ये एज इट इज इसके साथ ये। अब यहाँ पे देखो वाई, ठीक है, वाई यहाँ पे वाई एज इट इज रहेगा एक्स के साथ, प्लस साइन है यहाँ पे,
और y का y के साथ। क्लियर बेटा, y का x के साथ और y का y के साथ, और यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस लगा दिया। सिमिलरली x का x के साथ, यहाँ पे माइनस साइन है x का y के साथ, इनर प्रोडक्ट माइनस, यहाँ पे देखो y का x के साथ और यहाँ पे माइनस साइन आएगा और एक साइन बाहर है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा y का y के साथ। क्लियर बेटा, इजी है, सिर्फ करते चले जाना। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ जो साइन है वो लगा दिए, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ जो साइन है वो, इसका इसके साथ साइन, और इस एक्स का इसके साथ और इस एक्स का इसके साथ जो साइन है बीच में वो, फिर सिमिलरली वाई का एक्स के साथ, वाई का वाई के साथ, और जैसे साइन है उस तरीके से। क्लियर बेटा, अब देखो ये एक्स वाई इनर प्रोडक्ट है, यहाँ पे भी एक्स वाई इनर प्रोडक्ट है, दोनों सेम है, पर यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस है, तो दिस कैंसिल। सिमिलरली वाई एक्स का इनर प्रोडक्ट है, यहाँ पे भी वाई एक्स का इनर प्रोडक्ट है, दोनों साइन अपोजिट कैंसिल। अब देखो यहाँ पे मेरे पास ये है एक्स और ये दोनों साइन सेम है, तो यहाँ पे ट्वाइस हो जाएगा एक्स एक्स का इनर प्रोडक्ट, प्लस सिमिलरली ये वाला हो जाएगा ट्वाइस y y का इनर प्रोडक्ट। और अभी हमने देखा था व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नॉर्म और इनर प्रोडक्ट। अगर यहाँ पे x x का इनर प्रोडक्ट ले रही हूँ तो उसको ये लिख सकती हूँ, तो यहाँ पे इसकी जगह मैं ये लिख सकती हूँ, और यहाँ पे x की जगह क्या है बेटा y है, तो ये लिख दिया। क्लियर, तो मैं बेटा यहाँ पे ये वाला पोर्शन लेके चली और मैंने इक्वल टू में दिखा दिया दिस, तो यहाँ पे मेरे पास जो पैलोग्राम लो है वो मेरा प्रूफ हो गया। तो ठीक है, यहाँ पे ये चीजें ध्यान रखना, व्हाट इज द पैलोग्राम लो, एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो, इसका नॉर्म का स्क्वायर, इसके नॉर्म का स्क्वायर इक्वल टू होगा ट्वाइस करके अलग अलग के नॉर्म का स्क्वायर, इस तरीके से इसको ध्यान रखना। ये लेके चले, बहुत ही शॉर्ट में था और इतना ही छोटा है ये बेटा, सिर्फ हमने इस यहाँ पे जो इनर प्रोडक्ट का हमें रिलेशन पता होना चाहिए कि क्या रिलेशन है, इसको साइड में लिख देना इनर प्रोडक्ट के रिलेशन को ये, और इसी की हेल्प से हमने ये किया, फिर यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई किया देन दिस रिजल्ट। आज के लिए बेटा थैंक यू सो मच, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इनकी नीड है। थैंक यू सो मच।